हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो यार भाई, हाजिर है आपका एक न्यू गेम के साथ, स्टेट एजेंट सिमुलेटर। तो डेवलपर ने जो है इसकी मुझे की भेजी थी, तो मैंने कहा जो है इस गेम का चलो रिव्यू करते हैं और खेल के देखते हैं कैसी गेम है। अच्छी गेम लग रही है। इसमें हम बेसिकली एक स्टेट एजेंट होते हैं। अब स्टेट एजेंट का आप लोगों को काम पता है, अगर नहीं पता तो चलो इस गेम में ही पता लग जाएगा। और यार आप लोग जो है वीडियो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो, भाई को ज़रा सपोर्ट तो दिखाओ। भाई इतनी अच्छी अच्छी गेम्स आप लोगों के लिए लाता रह रहा है, और ये गेम स्टीम पर भी अवेलेबल है, अगर आप लोग चाहो तो वहाँ से भी जाके खेल सकते हो। सो न्यू गेम स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे तो जो है अपने को कुछ कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, माफिया वगैरह से रिलेटेड तो ये गेम नहीं है। मनी, ट्रेड, लक, स्पीड, ये कुछ जो है इनकी पावर्स दिख रही हैं। बेसिकली अपने को ये बंदा अच्छा लग रहा है, इसकी लक अच्छी है। मनी इतनी नहीं है, मनी हम कमा लेंगे, लक अच्छी होनी चाहिए, समझ रहे हो बात को। लक इसकी भी अच्छी है, इन दोनों की, इसकी भी लक अच्छी है, इसकी लक कम है। लेकिन ये बंदा थोड़ा गुड लुकिंग सा है, तो हम ये बंदा ले, नहीं ये कहाँ गया यार अपना बंदा, ये वाला केविन। तो केविन का जो है नाम चेंज करके अपन अपना नाम रख लेते हैं, सुफियान दादा। तो या अरे तेरी खैर हो, सेलेक्ट योर वाइफ। तो भाई इस गेम में हमें वाइफ वगैरह भी मिलने वाली है, क्या बात है भाई। मैं समझ रहा हूँ तुम लोग क्या देख रहे हो। ईमा, ओलिविया, इसाबेला, सोफिया, मियाँ, अमेलिया, अबीगेल। तो भाई मेरे हिसाब से ओलिविया अच्छी लग रही है। मुझे इसके बाल नहीं पता कितने बड़े, इसके तो छोटे हैं, मुझे ये नहीं अच्छी लग रही। सोफिया भी अच्छी है, अमेलिया भी अच्छी है, अबीगेल भी अच्छी है। अबीगेल थोड़ी हेल्दी टाइप सी है, तो ओलिविया अच्छी लग रही है, क्यूट सी, ये ले लेते हैं। तो इसका नाम है ओलिविया, ओलिविया ही रहने देंगे। नेक्स्ट, यू कैन अडॉप्ट डॉग्स इन द सिटी। वाओ, तो भाई गेम जो है हमारी स्टार्ट हो चुकी है, इंटरफेस आ गया है। ट्यूटोरियल कहता है ओपन द सूटकेस एंड टेक द मनी। ओके, तो सबसे पहले ऊपर जो है हमें हमारी हेल्थ दिख रही है, टॉप राइट पे, सॉरी टॉप लेफ्ट पे, और हाउस दिख रहा है हमारे पास 0 है, और हमारी हेल्थ भी दिख रही है जो कि अभी 100 थी, अभी 100 से 99 हुई है। मंडे, टाइम और पैसे वगैरह दिख रहे हैं। तो भाई ये जो है यहाँ पे टेबल है, कुछ हमारा सामान वामान पड़ा हुआ है, घर से बाहर नज़र आ रहा है। थोड़ा सा घर का पहले वॉक अराउंड कर लेते हैं। अरे वाह भाई, ओलिविया तो हमें यहाँ पर मिल रही है भाई, बात कर सकते हैं इससे? अभी कुछ भी बात नहीं हो रही। ये बेड है, और बेसिकली जो है ये घर मुझे कुछ थोड़ा बहुत रेंज सिमुलेटर जैसा लग रहा है। अरे ये कहाँ जा रही है, तो चली गई भाई, इसके साथ साथ जाऊँ क्या? वाओ, बॉयज़ एंटिक गन। अरे ये तो यहाँ पे आके बैठ गई भाई, टेडी बियर भी पड़ा हुआ है एक इसका। चलो इससे तो अभी कुछ भी इंटरेक्शन नहीं हो सकता। ये देखो घर बिल्कुल रेंज सिमुलेटर के जैसा, यहाँ पे कमरा होता था, हम लोग चीज़ वगैरह बनाते थे, और किचन, और यहाँ पर भी चीज़ वगैरह बनाते थे। तो चलो ज़रा ऊपर चलते हैं, देखते हैं सूट केस में क्या है भाई। पैसे उठाने को कह रहा है, पैसे उठा लेते हैं फिलहाल। अरे वाह, इतने सारे पैसे, ओ भाई एकदम से $40,000 आ गए मेरे पास। टॉप बॉटम पे देख सकते हो आप लोग, सॉरी टॉप राइट पे, मैं कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, सॉरी यार। प्रेस द टैब बटन एंड ओपन एंड क्लोज द इन्वेंट्री। ओके भाई, ये इन्वेंट्री है, कुछ खाने पीने का सामान पड़ा हुआ है, लेस, कोक, डोनट, फ्राइज वगैरह। ओके ठीक है, ये एक हो गया, और बेड पे सोना है। अच्छा, अरे ये फिर अब यहाँ आ गई। हाँ, क्या बात है भाई, बंद लैपटॉप पे काम कर रही है, बहुत स्किल्ड बीवी हमारी। खैर भाई, ये मैप है सिटी का, रियल्टर वांटेड, ये जो हैं वाइट वाले डॉट्स हैं। ठीक हो गया, 2 डे 20 आवर, एवरी वेनसडे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, खैर आगे पता पड़ेंगी। आवर हाउस इज़ नॉट फॉर रेंट, ये येलो मार्कर है और ये ग्रीन मार्कर है। अब ये पता नहीं कब आएंगे, आगे देखता हूँ मैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये मैप है। ओके, नेक्स्ट, प्रेस वाई टू ओपन एंड क्लोज द स्किल स्क्रीन। भाई ये हैं हमारी स्किल्स, डिफरेंट तरह की, डॉग हाउस हो गया, माई फ्रेंड हो गया, वन लैंड हो गया। अच्छा ये लोन्स हैं, 1 2 3, और ये लॉयर है, आई थिंक लीगल एडवाइजरी। कमाल हो गया भाई, इनको टाइम टू टाइम देखेंगे स्किल्स क्या काम करती हैं। बहरहाल
बीवी फिर उठ के हमारी नीचे चली गई। गो टू द बस स्टॉप एंड ट्रेवल एनी वेयर। भाई ये बोल रहा है बस स्टॉप पे जाओ और कहीं भी चले जाओ ट्रेवल करके। अबे बीवी कहाँ गई भाई हमारी? बेगम, अच्छा खाना पका रही हो आप, चलो आप खाना वाना पकाओ मैं आता हूँ। ओ सॉरी, बर्तन धो रही हो, चलो ठीक है आप खाना वाना पकाओ, बर्तन धो के रखो मैं आता हूँ। तो भाई हम चलते हैं काम धंधे पे, बेगम हमारी घर पे काम करती रहेंगी। ओ भाई साहब, एक लोडर गाड़ी भी दी हुई है हमें, चला सकते हैं हम, खड़ी भी तो हमारे घर के बाहर ही है, लेकिन हम चला नहीं सकते यार इसको अभी फ़िलहाल। तो चलो ठीक है चलते हैं भाई बस स्टॉप पे। बस स्टॉप कहाँ है? ये है भाई कुछ सिटी, और गाड़ी वाड़ी आ रही जा रही है। नहीं भाई इतना रियलिस्टिक सा सिस्टम नहीं है, रोड पे आओ तो गाड़ी जो है ऊपर चढ़ के चली जाती है आपके। ये क्या है, बेवरेज स्टेशन वगैरह बना हुआ है। ये है भाई आई थिंक बस स्टॉप। एटीएम लगा हुआ है, एटीएम देखते हैं काम करता है नहीं। बेसिकली मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो मैं सोच रहा था कुछ एटीएम में डाल देता, छिन छिना ना जाए, ऐसे नहीं इस गेम में चोरों चक्कों वाला चक्कर भी हो। जो भी कॉफ़ी किंग की एडवर्टाइजमेंट हुई भी है, ओनली $20। तो भाई बस स्टैंड पे हम देखते हैं हम कहाँ जाना है हमें। कसिनो, होम ऑफिस, हॉर्स स्टोर, नॉटिंग हिल, शॉर्डिच, कैमडन टाउन। तो भाई हम, मेरा ख्याल है सबसे पहले हम चलते हैं, अच्छा ये प्लेसेस हैं, ये नेबरहुड्स हैं, तो नेबरहुड्स में हम चलते हैं नोटिंग नोटिंग हिल, देखते हैं यहाँ। इन्होंने बोला है कि आप कहीं भी ट्रेवल करो, तो मुझे यहाँ पे ट्रेवल होना था। ट्यूटोरियल, गो टू बस स्टॉप। अच्छा अभी ट्यूटोरियल कह रहा है प्रेस एंड होल्ड क्यू टू ओपन एंड क्लोज द व्हील डिस्प्ले। ओके, ओ भाई साहब, अबे ये ब्रश वगैरह भी दिया हुआ है मुझे सफाई सुथराई के लिए। भाई क्या हो गया, झोड़ा झाड़ू पोछा भी करना है क्या? अच्छा ये भी हम साफ़ कर सकते हैं। और क्या है, इंसेक्टिसाइड, पेंट ब्रश, हाय वाओ, फाइंड हाउस, अभी हमें सिखा रहा है भाई। फाइंड हाउस इन द सिटी फॉर अ रियल एस्टेट एजेंट, टॉक टू द ओनर एंड गेट द राइट्स टू द रेंट फॉर अ मंथ, सम हाउसेज आर फॉर सेल। ओके, सो ये हाथ का इशारा करने से, अच्छा ठीक है। और ये क्या है, गैराज रिमोट, स्टोरेज इन गैराज, अच्छा यू कैन स्टोर थिंग्स इन द स्टोरेज रूम इन योर गैराज, वाओ। अभी तो हमारे काम करनी है। और ये है जी हमारा टैबलेट, बेहतरीन, यहाँ से हम वेब भी एक्सेस कर सकते हैं। है भाई ये कैसा वेब है? ओ भाई साहब, अबे ये वेब कैसा आ रहा है भाई? एटम्स इन्फो, एंटिक पिस्टल, $20,000 की, रेयरिटी रेट 2%, मतलब 2% इस पर हमें प्रॉफिट हो सकता है। कमाल, ये सब चीज़ें भी हैं, चलो ये आगे देखते रहेंगे। माई फ़ोटोज़ में कुछ भी नहीं होगा। होम इन्फॉर्मेशन, अभी तक कोई भी मैंने घर रेंट नहीं किया और कमीशन नहीं किया, तो इसलिए होम इन्फॉर्मेशन भी नहीं आ रही। सो यार चलो पहले धंधे को देखते हैं भाई, क्या गेम इन्होंने जो बोला है कि आप वो करो। अब ये क्या चक्कर है भाई, देखते हैं। सेल, फॉर देट यू नीड टैलेंट, अच्छा अभी स्किल्स नहीं है मेरे पास, ख़रीदने की स्किल्स नहीं है फ़िलहाल। फ़िलहाल जो है हमें रेंट ही करना पड़ेगा। अब रेंट में कहाँ से कर सकता हूँ कोई जगह? ये वाला तो रेंट पे बिकने के लिए है नहीं। आगे पीछे चलते हैं, देखते हैं, घूमते हैं, क्या पता कहीं ना कहीं हमें कोई बेच रहा हो या रेंट कर रहा हो तो मिल जाए, मामला हो जाए। बॉन्ड स्ट्रीट, भाई बॉन्ड स्ट्रीट में चल लेते हैं। सामने आंटी आ रही है, मेरा ख्याल है आंटी अंकल है, अंकल हैं, इनसे बात करके देखते हैं भाई से। है निकोलाज नाम है इसका। हाउ इज़ योर डे गोइंग, सो हाउ अबाउट योर ग्रैंडमा, इट्स गुड टू सी यू। अबे ये क्या भाई, कुछ शहर के बारे में तो बता, पुलिस वाले भी जा रहे हैं भाई। अच्छा जी, ओ तेरी खैर, ये देखो बॉयस रोड कैसे क्रॉस कर रही, अच्छा भाग ही रही है भाई, उसको जाना है जल्दी से, नहीं रोड ही क्रॉस कर रही है। देखें ये भी ऐसे ही क्रॉस करती है, सिग्नल रेड है, अच्छा सिग्नल रेड हुआ हुआ है, जब सिग्नल ग्रीन होगा ना प्रॉपर तब रोड क्रॉस करेगी, ज़बरदस्त। यहाँ पे ये एक आंटी खड़ी हुई है और यहाँ लिखा हुआ है रियल्टर वांटेड, तो देखते हैं क्या सीन है भाई। ओ भाई $61,000, नॉटिंग हिल $61,000, और मीटर स्क्वायर 560, नंबर ऑफ रूम्स 5+2, भाई ये तो बहुत बड़ा है फ्लैट, इतना बड़ा घर हम क्या करेंगे। फार अवे, दिस इज़ टू हाई, गुड डे। ओ भाई इतना नखरा, अच्छा रात हो गई, गो होम एंड स्लीप। भाई ये क्या कि गो होम एंड स्लीप, अभी तो हम आए थे काम पे और अभी ही गो होम एंड स्लीप। तो चलो देखते हैं, घर चलते हैं फिर,
फिलहाल जो है बेगम के साथ इंजॉय करते हैं, कल आएंगे फिर कल देखेंगे क्या है। हेलो पेटू पेटू, ओ भाई फॉर देट यू नीड टैलेंट। भाई कुत्ते को प्यार करने के लिए भी अब टैलेंट चाहिए होगा, क्या बात है। घर ही चलो भाई, होम ऑफिस, ऑफिस तो है नहीं फिलहाल, होम ही है। घर तो आ गए हम, देखें घर जाके सो जाते हैं। अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम लिखा हुआ नहीं आ रहा फिलहाल। तो या दरवाज़ा बंद कर देते हैं रात के टाइम, भाई कोई आ ना जाए। बेगम तो यहाँ बैठी हुई होती। अरे अब बेगम से बात कर सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं भाई। अरे ज़बरदस्त, किड किंग मूवीज़ गुड सीज़न। बंद करो भाई ये टीवी, क्या देखना। अरे बेगम चली गई, बेगम बेगम इधर तो आओ। हेलो हाउ आर यू। आई एम फाइन यू, आई एम टायर्ड, इट वॉज अ टफ डे, आई एम ओके माई लव, हाउ आर यू। आई एम ओके माई लव ये बोलता हूँ। आई एम वंडरफुल माई लव, इट्स सो गुड टू बी विथ यू लव, आई एम गोइंग टू बेड, आई हैव समथिंग ऑन माई माइंड, कैन यू गिव मी सम मनी। हाँ ये बात है ना भाई, आज हमारे तकरीबन 15-16 रुपये कटे हैं, बेगम से थोड़े से पैसे मांगते हैं, लेकिन नहीं, रात का टाइम है, आई हैव समथिंग ऑन माई माइंड, यू कैन टेल मी। आई वॉन्ट टू बी विथ यू टू नाइट, आई वॉन्ट टू हैव चिल्ड्रन विथ यू। लेकिन अभी हम काम कर रहे हैं, आगे ग्रो कर रहे हैं, फिलहाल चिल्ड्रन प्लानिंग नहीं करते। लेकिन इसको ये बोलता हूँ, आई वॉन्ट टू बी विथ यू टू नाइट, आई डोंट हैव द एनर्जी फॉर। ओ भाई लड़कियों को भी एनर्जी चाहिए होती है क्या इस काम के लिए। तेरी खैर हो भाई, बेगम ने दिल तोड़ दिया। बस मैं इसके साथ नहीं सोऊंगा अब, मैं जाके अपना खुद सोऊंगा भाई, इसके साथ नहीं सोऊंगा मैं, नाराज़ हो गया हूँ मैं उससे। तरीका नहीं है ये कोई। ऊपर देख रहे हो बॉयज़ आप, टाइम लाइन चल रही है, सुबह 8 बज गए, अब हम उठ गए, अब हम जल्दी से चलते हैं। टैक्स वैल्यू 2,000 रुपये कट गए बिला वजह के, किस चीज़ का टैक्स भाई। हेलो बेगम, अभी इससे बात करके देखते हैं। वेलकम डार्लिंग, वॉज योर डे एग्जॉस्टिंग, इट्स बीन रियली एग्जॉस्टिंग डे, हाउ। अबे अभी तो उठा हूँ, एग्जॉस्टिंग डे कहाँ से हो गया, आई वॉज फाइन, हाउ आर यू। अभी अभी तो उठे हैं भाई, क्या कन्वर्सेशन हो रही है। लव आई एम गोइंग टू बेड, चलो भाई। अजीब ही कन्वर्सेशन रखी हुई है बेगम के साथ। खैर भाई चलते हैं, काम हमने कुछ भी नहीं किया, खाली बस अभी तक बातें ही करी हैं। कैरी एटम्स, अच्छा जी एटम उठाने कहाँ से हैं। ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज बाई लिविंग देम इन ट्रंक ऑफ द व्हीकल, ओके। अच्छा भाई ये गाड़ी हमारी, हम गाड़ी चला सकते हैं, वाह भाई ये लोडर डब्बा हमारा है भाई, कमाल हो गया। तो चलो इसको तो हम चलाते रहेंगे, फिलहाल अपनी गाड़ी को हम यहीं पार्क कर देते हैं। ओ भाई मुझे एक और चीज़ दिखी, कोई घर का जो है वो बना हुआ है, क्या कहते हैं, स्केच, कैनल। फॉर देट यू नीड टैलेंट, भाई इसके लिए भी हमें टैलेंट चाहिए अभी हाल ही फिलहाल। चलो भाई अभी हम चलते हैं काम पे, आज हम किसी और जगह जाएंगे, कैमडन टाउन चल के देखते हैं कि अब यहाँ हमें कुछ काम मिलता है या नहीं। पुलिस वाले जा रहे हैं, टाउन्स एक ही जैसे बने हुए, थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हैं, लोग भी घूम रहे हैं, आप सारे लोगों से इंटरेक्शन भी कर सकते हो। रियल्टर वांटेड, भाई इसको भी रियल्टर चाहिए, उसको भी रियल्टर चाहिए। तो हम अभी फ़िलहाल बंदे के पास चलते हैं, 27 नंबर हाउस। हेलो, आई वॉन्ट टू हायर एन एस्टेट एजेंट फॉर दिस ब्यूटीफुल हाउस, द प्राइस फॉर दिस फॉर 1 month इज़ ओनली 11,647। भाई घर में नंबर ऑफ रूम 1, 1, 1 और स्टेट टाइप फर्स्ट फार अवे, डर्टी घर है भाई। दिस इज़ टू हाई, गुड डे, इट्स अ डील, आई एम बाइंग इट, टू बी ऑनर्ड दैट प्राइस स्केयर्स मी अ लिटिल। ये बोलता हूँ इसको, भाई थोड़ी सी प्राइस आपकी हाई है, इसको हम 10 या 10,500 की ऑफ़र देंगे, बल्कि 9,000 से शुरू करेंगे, देखते हैं जहाँ फंसा। मैं इसको ऑफ़र दे रहा हूँ अपनी, ये बेसिकली 11,647 बोल रहा है, तो मैं इसको 9,000 की ऑफ़र दे के देखता हूँ, बॉइस क्या कहते हो, 9,000 में देगा भाई। कैन यू मेक इट, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सेप्ट। ओ भाई 9,000 में नहीं दे रहा है, रियली वॉन्ट टू बाय दिस हाउस बट द प्राइस इज़ बिट हाई। भाई मैं इसको 10,000 की चलो ऑफ़र दे देता हूँ, ठीक है। आई नीड टू थिंक अबाउट इट, भाई मान गया, मान गया भाई 10,000 में बेहतरीन, 9,500 भी मैं बोल देता शायद मान जाता, लेकिन चलो क्या बात है, हमें हमारा घर मिल गया। अब इसका सिस्टम चलेगा कैसे, मैं अपने टैबलेट में देखता हूँ। होम इन्फॉर्मेशन, अच्छा जी, हाउस नंबर 27, नेबरहुड नोटिंग हिल, नॉट रेंटेड, अभी तक रेंट पे नहीं दिया। नंबर ऑफ डेज लेफ्ट टू डिलीवर द हाउस टू इट्स ओनर 31 डेज़। भाई अब हमें 31 डेज़ के अंदर घर जो है रेंट पे चढ़ाना है, क्योंकि हमें फिर महीने का रेंट मिलेगा, तो हम
इसको पे करेंगे, फिर उसमें से कुछ हम भी बचाएंगे पैसे, वरना तो काम पूरा ही हो जाएगा। तो क्रिप्टो मार्केट मुझे दिखी भाई, ये भी नई चीज़ है, फ़िलहाल हम इसमें नहीं घुसते, जब पैसा आएगा तो घुसेंगे। वेब, अच्छा जी, तो अच्छा फ़िलहाल इसको छोड़ते हैं, घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है सीन। अरे भाई ये तो गंदा हुआ हुआ है, हाउस क्लीनिंग, उसके बारे में मैं ज़रा ये गाइड कर रहा है, देखते हैं। यू कैन क्लीन द हाउस यू बाय द इंक्रीजेज रेंटर वैल्यू ऑफ द हाउस। ठीक है भाई, बोल रहा है सफाई करोगे आप तो आपका ही फ़ायदा है और घर की जो है वैल्यू बढ़ जाएगी। भाई कचरा उठाने से मुझे स्किल पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्या बात है। 62% रह गया हमारा घर क्लीन होना, तो दो ही कमरे हैं वाकई में इसमें, एक कमरा ऊपर आई थिंक, एक कमरा ये छोटा सा, और इधर कुछ नहीं है, स्टोरेज एरिया है, और ऊपर एक रूम है आई थिंक, हमारे घर के जैसा ही है भाई ये रूम, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ओ भाई बग्स, बग्स को साफ़ करना पड़ेगा, सबसे पहले ये साफ़ कर लेते हैं। बग्स को कैसे साफ़ करना है, मेरे पास टूल्स हैं, इंसेक्टिसाइड लगाना पड़ेगा आई थिंक। चलो 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 बेटा, हो गया टाइम पूरा हो गया। चलो जी बक्स तो मर गए फिलहाल, ऊपर घर गंदा नहीं है, बाकी सफाई हुई भी है, नीचे धाब धब्बे हैं, इसको स्पॉन्ज से साफ़ करते हैं। चलो भाई ये तो हो रहा है घर साफ ज़बरदस्त, चलो स्पॉन्ज का ब्रश काम आ रहा है भाई। इससे ये है कि भाई हमारे घर की वैल्यू बढ़ रही है, आप लोग देख रहे हो एवरेज रेंटर वैल्यू ऑफ द हाउस 2200 तक जा रही है, तो हमें ही फ़ायदा होने वाला है, हम उसको फिक्स अमाउंट दे देंगे 10,000 महीना, बाकी ऊपर जो बचेगा वो अपना होगा आई थिंक, मुझे तो जो अभी तक समझ में आ रहा है, बाकी देखते हैं आगे क्या है। 5% रह गया, 5% घर साफ़ करना, जल्दी से साफ़ कर लेता हूँ, फिर चलते हैं हम घर को बंद करके, और देखते हैं फिर हमें रेंट पे घर कैसे चढ़ाना है। ओके घर की सफाई तो हो गई भाई, अजीब किस्म की आवाज़ आ रही है, आवाज़ नहीं जा रही, समझ नहीं आ रही। अच्छा ये इसकी आवाज़ थी, ओके मेल में देखें क्या है, मेल में तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। भाई घर को जो है रेंट कैसे करना है, अब ये तो मुझे नहीं समझ में आ रही, टैबलेट में जाके कोई सिस्टम है क्या। अबे यार ये बड़ा मसला है भाई, वॉइस स्प्रे का बड़ा मसला है, गलती से स्प्रे सेलेक्ट हो गया ना, समझो काम हो गया आपका। एटम इन्फो में नहीं जाना था, होम इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। अब इसको मैंने रेंट तो नहीं किया, मेल में जाऊं, मुझे कुछ समझ में तो नहीं आ रही, घर को रेंट कैसे करना है वॉइस, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी फ़िलहाल। वेब पे भाई ये दिख रहा है जिस तरह एक मार्क है हमारा, अच्छा एक काम करते हैं ना, मैप भी चेक कर लेते हैं, मैप में क्या है, हमने ये वाला घर लिया हुआ है लेकिन रेंट पे नहीं चढ़ाया, तो रेंट पे चढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई गाइड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरा ख्याल है हम अपने घर वापस चलते हैं, फिर देखते हैं वहाँ पे अगर कुछ होता है तो। ऑटोमेट, अच्छा ये चीज़ें ले सकते हैं, अबे बिला वजह में ख़रीद ली भाई, ख़रीदनी तो नहीं थी मुझे, नहीं ख़रीदना भाई, गेट ऑन द बस और अपन चलते हैं घर, देखते हैं वहाँ पे जाके कुछ होता है या नहीं। ओ भाई स्टेट एजेंट, हमारा ऑफिस नज़र आया मुझे, गंद कचरा पड़ा हुआ है यहाँ, अच्छा ये आई थिंक यहाँ फेंकना है भाई, गेमें खेल खेल के मैं इतना तो अंदाज़ा हो गया है। ये प्लास्टिक की बोतल है, कांच की बोतल है, ये कांच की लग रही है मुझे, मेटल बॉक्स, प्लास्टिक बॉक्स, गिलास बॉक्स, पेपर बॉक्स, प्लास्टिक नहीं, ये कांच की बोतल थी, मुझे स्किल पॉइंट आई थिंक नहीं मिला, हाँ मैंने सही डाला ना, अब मुझे स्किल पॉइंट मिला, ट्रेश ये है तो पेपर बॉक्स, ओके तो भाई इतना तो काम हमने कर दिया है, अब आगे क्या करना है समझ नहीं आ रही। ये हमारा ऑफिस है, रेंट द हाउस, अच्छा हाउस रेंट यहाँ से होगा, स्टेट एजेंट एडवर्टाइज द हाउस ऑन द टेबलेट, कलेक्ट रेंट्स ऑन अ डेली बेसिस, टॉक टू द कस्टमर्स हु कम टू द मिनिएचर एंड रेंट द हाउस। वाह भाई गेम अच्छी लग रही है मुझे, ये जिस जिस तरह के अभी टास्क आ रहे हैं ना गेम में,
आगे आई थिंक मज़ा आने वाला है, लेकिन मैं घर को रेंट कहाँ से करूँ यही तो नहीं समझ में आ रही। ये है आई थिंक। अरे इसको तो एड लगाने के लिए हमें घर की तस्वीरें लेनी पड़ेंगी भाई, हमारे तो किराए में ही पैसे ज़ाया हो जाएंगे। जल्दी से चलते हैं, लेकिन अभी ये कह रहा है घर जाओ और सो जाओ, लेकिन अभी हम नहीं सोएंगे भाई, अभी हम वापस चलते हैं। जल्दी से चलते हैं कैमडन टाउन, हाउस नंबर 27 ख़रीदा था मैंने, मुझे अच्छी तरह याद है। कहाँ गया ये रहा, इसकी तस्वीरें लेते हैं और ऐड लगाते हैं। क्या बात है भाई, गेम का जो है सिस्टम बहुत अच्छा है, समझने में ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब कैमरा कहाँ गया, वाह वाइड एंगल लेंस लगाया हुआ है भाई फुल एकदम। एक तस्वीर यहाँ से और एक तस्वीर लेंगे हम अपने घर की भाई यहाँ से, तो दो तस्वीरें आ गई होम इन्फॉर्मेशन में, नहीं सॉरी वेब, इसमें पिक्चर लगाते हैं चूज़ फ़ोटो, ये दोनों पिक्चर लगा देते हैं। ये डेली रेंटल वैल्यू कॉस्ट 11,647 भाई, अब यहाँ पे ये मीटर भी शो हो रहा है, तो मैं वैल्यू लगाता हूँ डेली की 3,500। मीटर जा रहा है बहुत एक्सपेंसिव पे, तो इसको कम करके ज़रा 3,000 पे करता हूँ, फिर भी जा रहा है 2,500। 2,500 पे मामला सही आ रहा है, तो इसको हम करेंगे 2,700। 2,700 पे भी मीटर थोड़ा सा एक्सपेंसिव पे जा रहा है, 2,600 भाई हम 1 रुपया भी क्यों छोड़ें। 2,600, 2,600 तक मामला मुझे समझ में आ रहा है, तो ये कर देते हैं अपन सेंड टू एड। चलो जी अब ये एड लग गई, अब देखते हैं सुबह तक कोई ग्राहक मिलता है नहीं मिलता, अभी हम चलते हैं घर चल के सो जाते हैं। तो ये काम जो है इस तरीके से होना था। ओके होम ऑफिस, तो यार बॉयज़ इतनी अच्छी गेम प्ले जा रहे हैं हमारे, दूसरे भी फायर फार्म के भी और दूसरे तीसरे अनबॉक्सिंग के भी, तो यार तुम लोग वीडियो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो मेरी जान के टोटो। आई थिंक हमारी बीवी नज़र आ रही है मुझे, नहीं कुछ और है। सोया चलो घर चलते हैं, अभी चल के फ़िलहाल अपन सोने की तैयारी करते हैं, फिर सुबह देखते हैं क्या होता है। घर तो मैं रेंट पर चढ़ा के ही जाऊँगा आज। अबे बीवी कहाँ गई, ओ भाई ये तो यहाँ घूम रही है। हेलो जानू, लेकिन नहीं मैं तुमसे नाराज़ हूँ भाई, मैं नहीं बात कर रहा इससे, आई एम गोइंग टू बेड। ओके इससे मैं नाराज़ हूँ भैया, मैं खुश नहीं कर रही, छोड़ो हम अभी जल्दी से सो जाते हैं, अब सुबह उठेंगे और देखते हैं फिर क्या मामला आते हैं। पौने पौने 8 नहीं 9 बजे भाई, हम बीवी बीवी से नहीं बात कर रहे। अच्छा मनी अर्नड हो गई, 100 रुपया कमाया भाई हमने, किस चीज़ से कमाया ये तो समझ ही नहीं आई। टैक्स वैल्यू कट गई 5,000 रुपये, ओ भाई मनी लॉस्ट 10,000 रुपये मेरे गुम हो गए कैसे। बॉयज़ आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताओ ज़रा ये कैसे गुम हो गए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, बीवी बीवी ने तो नहीं चोरी कर लिया भाई, पैसे किस तरह मेरे चोरी हुए हैं यार, या ये वो पैसे तो नहीं लॉस्ट हुए जो हमने उसको दिए, हमने घर बाय किया है आई थिंक 10,000 रुपये वो लिखे हुए हैं, ऐसे पैसे लॉस तो नहीं हो सकते भाई। अब अभी हम चलते हैं ऑफिस अपने, या पल पहले मैं टेबलेट देख लूँ कि टेबलेट में मेल आई है भाई, टुडे इज़ द डे फॉर स्टोरेज वार्स यू मस्ट विजिट, ये पता नहीं क्या है भाई। ऑक्शन ओपन, यहाँ पे ऑक्शन ओपन का कोई लिखा हुआ है, होम इन्फॉर्मेशन अच्छा नॉट रेंटेड, आइटम्स इन्फो में भी नहीं सॉरी, वेब में जाना था। अभी तक एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है, कोई भी नहीं आया भाई, ऑक्शन ओपन हुई हुई है, तो भाई मैप में देखते हैं ऑक्शन कहाँ है, यहाँ हो रही है एवरी वेनसडे, आज वेनसडे है या बॉइस, हाँ आज वेनसडे भाई, तो चलते हैं ऑक्शन और देखते हैं। ओ भाई ये हमारा ऑफिस है, तो यहाँ कूड़ा भी पड़ा हुआ है, ये भी उठा लेते हैं जल्दी से, इसमें डालता हूँ मैं गिलास बॉक्स में, ये भी गिलास बॉक्स में, ऑफिस जितना साफ़ रखेंगे उतने कस्टमर आएंगे ना यार। प्लास्टिक बॉक्स भाई, ये बंदा आया हुआ है ये क्या बोल रहा है, अच्छा ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ना घर, आई थिंक जो मैंने ये एड लगाया था 27 का, वाह इसका मॉडल पड़ा हुआ है यहाँ। बंदे से बात करते हैं भाई, बंदा बोल रहा है यू फाइनली मेड इट,
वॉट अ लक, आई वॉज अबाउट टू लीव। ओ भाई सॉरी, मैं देर से आ गया, आई एम सॉरी, वाट कैन आई हेल्प यू? आई वॉन्ट टू रेंट हाउस फॉर 7 डेज। ठीक है भाई, ये ले ले रेंट पे, द हाउस इन रेंट। ओके, तो भाई हमने इसको दे दिया 2600 में। आई एम रियली लक्की टूडे, दिस हाउस इज़ सो चीप, आई एक्सेप्टेड, आई एम प्रिपेयरिंग। भाई मैं इसको 2 मिनट के लिए रोक रहा हूँ मामले को, ये दूसरा भी आया है इससे बार पहले, देखते हैं ये कितने दे रहा है। आई एम ग्लेड टू सी यू, हाउ कैन आई वॉन्ट टू रेंट द। अच्छा ये 12 दिन के लिए ले रहा है भाई, इसको देंगे हम, पहले वो आया था लेकिन चलो समझ में आता है। 1600 रुपये दे रहा है। आई कैन डू अ लिटिल डिस्काउंट। भाई मैंने 2600 लगाया था ना, मैं 2550 लगाता हूँ, क्योंकि ये 12 दिन के लिए भी ले रहा है, तो चलो। बैड लक, माई बजट इज इजेंट इनफ सी। ओके भाई हम भी नहीं दे रहे भाई, चलो वो 7 दिन वाली डील वाला बंदा भी चला ही गया, आप क्या कर सकते हैं। चलो ऐड तो लगा भाई ये, हम जब तक ऑक्शन पे चलते हैं, ऑक्शन हमारे घर के करीब ही था आई थिंक ये रहा। हाँ हम ये है ना, ठीक है, पेट्रोल पंप है ना ये, तो ऑक्शन हो रहा है, ऑक्शन पे जाते हैं जल्दी से, देखते हैं फिर। स्टोरेज वॉर्स, टिकट मैन, 100 रुपये का टिकट है भाई, टिकट ले लेते हैं। अबे ये कौन कौन छपड़ी खड़े हुए हैं, आंटियाँ आंटियाँ खड़ी हुई हैं भाई, माल लेने आए हैं सारे, दुकान खोल रहा है वो। अब कंटेनर में है क्या हमें कुछ पता नहीं, आई थिंक। ओ भाई साहब, हाईएस्ट बिड अभी तक लगी नहीं है, 489 की लगी, ऑफ़र इंक्रीज़ करूँ? 1700 की लग गई भाई, 2020 की मैंने लगा दी, आई थिंक मुझे मिल जाएगा ये। 2255 की उसने लगा दी, 2534 की लगा दी भाई आपके भाई ने, 2761 का महंगा हो जाएगा, मेरा दिल नहीं कर रहा लेने का। 3000 पे चला गया भाई, 3400 पे चला गया। कंटेनर में आई थिंक ऐसा फिर कुछ है, मैं बढ़ा देता हूँ भाई, 3600 का कंटेनर मुझे आ गया, बेहतरीन। कंटेनर डिलीवर टू योर होम, ये वाला भी ख़रीद लें क्या कंटेनर? पहले देखते हैं मैक्सिमम बिड कितनी लगती है ना, 977, मैं बढ़ा रहा हूँ भाई 1800। दो कंटेनर ख़रीद लेते हैं, देखते हैं इनमें हमें क्या मिलता है। 2050, तेईस सौ सैंतीस में मुझे मिल गया भाई कंटेनर, कंटेनर डिलीवर टू यूर बॉस। बस बॉयस दो बहुत हैं, चलते हैं अभी देखते हैं। कंटेनर पता नहीं कहाँ चला गया, आया नहीं आया, बंदा आया हुआ, इसको पहले घर देते हैं रेंट पे और उसके बाद देखते हैं भाई। अब ये जितने पे भी आया होगा ना मैं दे दूंगा, रोज़ ही ख़राब नहीं कर रहा मैं आज की। यू कैप मी वेटिंग फॉर टू लॉन्ग, सॉरी बॉय, आई वॉज ऑन द बिडिंग, आई वॉन्ट टू रेंट आउट फॉर। ओ भाई साहब, $20, 20 दिन के लिए ले रहा है ये, लेकिन ये रेट बहुत कम देगा मुझे पता है। दिस इज़ एक्सट्रीमली चीप, इज ऑल मस्ट बी माइन, आई एक्सेप्ट द ऑफर, आई एम प्रिपेयरिंग द टेंडेंसी। ओ भाई 2600 में ही ले लिया इसने, और जो है 20 दिन के लिए। अब लालच नहीं करते, इसको छोड़ूंगा तो ये चला जाएगा उस बंदे के लिए, लालच नहीं करते इसको दे देते हैं भाई। ठीक है, टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, आप दोनों जाओ, ऑक्शन तो ओपन हुई भी है मुझे पता है। और घर जो है मेरा, आई थिंक ये मेरा ऑफिस है, कंप्यूटर पे आ गए भाई, ज़बरदस्त, यहाँ वेब हम एक्सेस किया करेंगे। अब जो है होम इंफॉर्मेशन, रेंट हुआ है भाई, टाइम रिमेनिंग अंटिल द एंड ऑफ द रेंट एग्रीमेंट 20 डेज, नंबर ऑफ डेज लेफ्ट टू डिलीवर द हाउस टू इट्स ओनर्स 30 डेज। भाई तो अब मैं अगर 26 को मल्टीप्लाई करता हूँ 20 से, तो भाई 2600 20 दिन के हिसाब से तकरीबन बनेगा कोई 50-52 हज़ार, तो हमें अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। और जो है नंबर ऑफ़ डेज लेफ्ट, तो हम 30 दिन में उसको दे देंगे बंदे को, नंबर ऑफ़ अनपेड रेंट, बाकी हम डेली जाएंगे उस बंदे से जाके अपना बिल, ओ सॉरी रेंट लिया करेंगे। तो यार बॉयज़, आज हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी और हमारी वो रेंट पे चली गई, तो ये जो है अपना ऑफिस हुआ करेगा। अब बाहर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ऑफिस अपना, बेहतरीन ज़बरदस्त। तो अब बॉयज़ इस वीडियो को जो है आज यहीं पे एंड करते हैं, और भाई जो है फिर आपसे अगली वीडियो में मिलेगा, क्योंकि आज हमने एक घर बनाया, ख़रीदा और उसको रेंट कर दिया, और उसका आई थिंक स्टैचू भी यहाँ से चला गया, जो वो पड़ा हुआ था ना मॉडल, वो भी चला गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है, और आगे इस गेम में क्या क्या चैलेंजेस हैं, स्किल पॉइंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अभी जो है आप लोग जाओ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। भाई मिलेगा आपसे अगली वीडियो में, अपना भी ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।